अस्सलामुअलैकुम। आज हम करने लगे हैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू देने लगे हैं एक एंड्रॉयड कैमरा जो है, ये देखिए, ये हमारे पास है एंड्रॉयड कैमरा, एंड्रॉयड एंड पीसी एंडोस्कोप इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें बारीक सी वायर होती है और वो वायर जो है आमतौर पे आप कोई छोटी चीज़ें जो है उनको देखने के लिए, या कोई आप ऐसी जगह जहाँ आपकी नज़र नहीं जा सकती तो उधर आप ये देखने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी ओपनिंग करते हैं, पहले बाहर से आपको बता देते हैं कि इसमें ये है, रेजोल्यूशन इसकी है 640x480 है। ओपन करते हैं इसको, बॉक्स को, बॉक्स को जैसे हम ओपन करते हैं तो हमें हासिल होती है, इसको बाद में देखते हैं, ये इसकी वायर है। इसमें जब हम इसको ओपन करते हैं, ये तकरीबन 1, 2, 3, ये 3 मीटर वायर है, ऑलमोस्ट रफ सा एस्टिमेट दिया है। अब जो है ये इसका कैमरे का व्यू है, ये आप देख सकते हैं, ये इस साइड पे कैमरा है और इस साइड पे इसका ये कंट्रोल है। कंट्रोल में ये कि ये लाइट को कम या ज़्यादा करने के लिए ये डायल मौजूद है, ये लाइट को कम या ज़्यादा कर सकता है। और ये इसके जो है वो एंड्रॉयड 7 केबल है। अगर आप इसको यूज़ ना करना चाहें, आपके पास मोबाइल जो है वो सी टाइप में हो, तो आप इस, ये उन्होंने कन्वर्टर दिया हुआ है USB के लिए, आप इसको इसमें इंसर्ट करें, ये तो आगे ये USB जो है वो बंद भी है। अच्छा, साथ जो है वो ये इसके साथ मौजूद हैं एक्सेसरीज हैं, ये मिरर टाइप है, ये एक है इसके साथ मैग्नेट लगा हुआ है और ये एक हुक है, यानी आप इसके साइज़ को इशू। अब आपको बताते हैं कि ये कैसे इस्तेमाल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपके पास कैमरा है, आप जाते हैं कि ऐसी जगह जहाँ पे डायरेक्ट आप नहीं नज़र देख सकते, साइड से आपको नज़र आ रहा है, तो आप ये मिरर जो है इसके साथ अटैच कर देंगे, कैमरे के साथ ये मिरर नज़र आ रहा है, तो ये आपको ऐसे साइड व्यू भी जो है वो देगा। कैमरा जो है यहाँ से आकर रिफ्लेक्शन लेके कैमरा आपको साइड व्यू देगा। इसको उतारते हैं, अब हम चाहते हैं कि हम मैग्नेट को यूज़ करें, एक मिनट। तो अब ये दूसरी जो एक्सेसरी है, ये यहाँ पे छोटा सा एक मैग्नेट लगा हुआ है, ये उन चीज़ों को पकड़ने के लिए, अगर कोई ऐसी चीज़ नीचे गिर जाती है कि आप उसको हाथ से नहीं पकड़ सकते तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसका ये है कि ये एक है आपके पास सपोर्ट देने के लिए, ये वायर आप इसके अंदर ऐसे डालते हैं, फिर इसको आप ऐसे करते हैं और इसको थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं, इसको खींचें, क्योंकि वायर आगे से उन्होंने टेढ़ी की हुई है, आप इसको खींचेंगे तो ये टाइट हो चुकी है। अब ऐसे इसको आप कहीं भी डालेंगे तो ये नीचे जाके जो उसको पकड़ी, मैं इसको आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, ये देखिए, जैसे कि ये पड़ी हुई है, हम इसको उठाना चाहते हैं कि ऐसे क्या है और ये ऐसे चीज़ को उठाएगा, उसके लिए इसके साथ मैगनेट, काफ़ी मजबूत मैगनेट है, हल्का नहीं है, यानी ये इसको चीज़ को उठा सकता है। अब इसी तरह ये दूसरी है, इसमें ये जो है ये हुक है, ये ऐसी बनी हुई, ये आपको नज़र आ रही होगी, इसका भी तरीकाकार तो वही है, इसको इसमें इंसर्ट किया, ये कैमरा इसमें से गुजारा और फिर इसको जो है वो नीचे को खींच लेंगे, ये टाइट हो जाएगी, ये टाइट हो गई है। ओके, अब इससे हुक से जो है ये देखें, आपको चीज़ जो है उसको उठाना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल में ये वायर, तो ये देखिए, ये आसानी से ये वायर ऐसे उठाई जा सकती है, बहुत मजबूती से लगी हुई, यानी आप थोड़ी सी वजनी चीज़ भी उठा सकते हैं इसकी लिमिट के अंदर रहते हुए, तो ये ऐसे उठा सकते हैं। ओके, हो गया। अगर तो आपका इस तरह एंड्रॉयड टाइप की ये पावर केबल आपका मोबाइल जो एक्सेप्ट करता है इस तरह की एंड्रॉयड टाइप जो है, फिर तो आप डायरेक्ट उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका मोबाइल जो है वो सी टाइप पे है तो फिर ये थोड़ा सा सिस्टम आपको करना पड़ता है, तो इसको पहले ये किया, फिर मेरे पास ये OTG है जो
यूएसबी को सी टाइप में चेंज करती है ये। फिर बाद में आपको एक लैदर से परचेज करनी पड़ेगी ओटीजी, जो यूएसबी को सी टाइप में चेंज करती है। तो मैं इसमें ये यूएसबी इंसर्ट कर दिया, अब ये सी टाइप में चेंज हो गया। अब मैं इसको मोबाइल में लगाता हूँ, और मोबाइल में लगाने के बाद आपको इसका दिखाते हैं कि ये कैसा रिजल्ट देता है कैमरा, और वीडियो और पिक्चर दोनों ही आपको दिखाते हैं। चलो,